हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के बाद मेरा दीपू सिंह 420 पर वीडियो नहीं आएगा, इसलिए कि वो मेरा चैनल अब नहीं रहा। उस चैनल को अब मैं नहीं चला सकती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो चैनल जो भी है यहाँ तक पहुँचा है तो मेरी बदौलत। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए उस चैनल को मैंने बराबर चलाया है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत खास बात कहना चाहूँगी और खास वीडियो भी लेके आई हूँ, और खास भी है, बुरा भी लग रहा है, तकलीफ भी हो रही है। सो रही थी, तबीयत नहीं सही थी मेरी, मैं सो के उठी तो वो वीडियो देखी। आप लोग भी देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं होगी वो नहीं समझेगा, ना ही उसका दिल दहलेगा, उसको एक मजाक लगेगा। ठीक है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। आप सभी फ्रेंड जानते ही होंगे नीलम कुमारी दिल्ली से हैं, आजमगढ़, फेमस है इस टाइम काफ़ी। और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ कि पर्सनल बातें वो कभी शेयर नहीं करती, उनकी आदत रही है कभी शेयर नहीं की वो। लेकिन अब उनके साथ हद से ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि वो मजबूर हो गई यूट्यूब पे बताने के लिए। ठीक है, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जबकि वो बता नहीं रही हैं कि हस्बैंड हमारे मारते हैं पीटते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देख के, उनकी बात को देख के, उनके जो दिल में दर्द है वो वीडियो बनाती जरूर है, लेकिन खुल के कोई बात बता नहीं पा रही हैं, जितना अंदाजा मैंने लगाया है। ठीक है, जब सास ससुर ऐसे बोल सकते हैं, रंडी मादर चोद है ना, जो कि पिता के समान होते हैं, मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत गलत कर रहे हो, इस तरह आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब लड़की अपने घर से विदा होकर आती है तो उनकी एक ही ख्वाहिश, एक ही चाहत होती है कि हमें ससुराल में प्यार दुलार मिले, वो सम्मान मिले जिसके हम हकदार हैं, है ना। क्योंकि एक माँ बाप छूटता है और दूसरा मिल जाता है। अगर आप अपनी बेटी को इतना प्यार दुलार दे सकते हो तो एक बहू को क्यों नहीं? कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है, तो क्या ससुर एक पिता हो सकता है? अगर आप पिता ही होते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। मेरे भी ससुर हैं, घर पे जल्दी जाना नहीं होता मेरा, और घर पे है इस टाइम। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, जब से मेरी शादी हुई कभी लगा ही नहीं कि पापा हैं या ससुर हैं, कभी नहीं समझी कि मेरे ससुर हैं। दिल से मैंने उनको हमेशा अपना पिता माना, और वो भी बेटी ही समझे जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है, हर इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर गलती को मेरे नज़रअंदाज किया है। ठीक है, इतना प्यार मुझे अपने ससुर से मिला है कि मत पूछिए। और दूसरे किसी को देखते हैं कि ससुर अगर इस तरह से बोलता है तो मुझे यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे ससुर ऐसे है ही नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। एक बार घर में हर किसी का बात टाल देते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात को टाली नहीं जाती, पापा नहीं टालते, और किसी का तो कुछ नहीं पता, पर इस मामले में मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो एक बार इनकी तबीयत भी बहुत खराब रही तो सुनने में आया कि बचने की बहुत कम उम्मीद है, टूट हम गए थे। वो तो माता रानी का शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आज इस दुनिया में है वो, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ होना हो तो हमें हो जाए, उनको नहीं। वो है तो सब है, पूरी दुनिया है,
और वो नहीं तो कुछ नहीं। मैं घर जाऊं कि पापा मेरे नहीं होंगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत। मैं इस लाइफ में आई हूँ, अपने जबान से मैंने अभी नहीं बताया है कि मैं ये सब करती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ। पता नहीं वो जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सोची हूँ कि जब मैं बिल्कुल सक्सेस हो जाऊँगी तो अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी और दिखाऊँगी कि मेरी फैमिली है कैसी। अब मुझे पता है मेरे पापा बेहद खुश होंगे क्योंकि वो माता पिता है मेरे। कोई माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी देख के दुखी नहीं होता है, खुशी ही होता है। इनके जैसा बाप अगर हो और ससुर ऐसा हो तो आज मेरे आंख में जो आंसू है दर्द के नहीं है, खुशी के आंसू है कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं। अब भगवान करे कि इनके जैसे ससुर होने से अच्छा है कि इंसान बिना ससुर के ही हो। चलिए दिखाते हैं हम उनकी वीडियो आप लोगों को। दोस्त नमस्कार, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के बाद मेरा दीपू सिंह 420 पर वीडियो नहीं आएगा, इसलिए कि वो मेरा चैनल अब नहीं रहा। उस चैनल को अब मैं नहीं चला सकती क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो चैनल जो भी है यहाँ तक पहुँचा है तो मेरी बदौलत। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए उस चैनल को मैंने बराबर चलाया है। और रह गई बात आज उसमें क्या है, मेरे हस्बैंड बोले कि वो चैनल मैंने खड़ा किया। तो दोस्त आज के बाद चलो ठीक है, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैंने किया, चलो ठीक है तुम ही खड़ा किए वो चैनल। तो आज के बाद मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना ही मेरा उस पर वीडियो आएगा। ठीक है, रह गई बात उनकी चलाने की, तो वो चलाते रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि मैंने उनको दान में दे दिया, समझे। तो इसलिए, और वीडियो किसी ने हमें कमेंट में बोला कि दीदी घर की बात वीडियो में नहीं आना चाहिए था। तो बहन आपकी बात जायज़ है, मैं भी चाहती थी कि घर की बात बाहर ना जाए। ठीक है, लेकिन सुलू उतना ही बर्दाश्त करो जितना चल सके। जब हद से ज़्यादा हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं है, हम अकेले यहाँ रहते हैं, हमारे आगे पीछे यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, और जो हमारे से कोई रिश्ता भी रखता है उसमें हमारे को दूर कर दिया जाता है, समझ गए। तो दो एक बात बताइए, जिसका कोई सहारा नहीं होता ना उसका भगवान होता है, समझ गए ना। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम किसी का जुर्म सहो, भगवान भगवान हो इंसान हो कोई भी कहेगा कि ये नहीं कहता कि तुम किसी का जुर्म सहो, जुर्म उतना ही सहो कि जितना पार हो जाए, हद से ज़्यादा जुर्म ना सहो कि जो अपने औकात को सब भूल जाएं। ठीक है, लड़कियां इतनी कमज़ोर नहीं होती और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम आज कई दिन से कई महीने से यही सोच रहे थे कि हमारा घर की बात बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, लेकिन हमें मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ा। कल इसलिए डालना पड़ा कि जब हद पार हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अपने बचाव के लिए, अगर आप मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, हमारे पास आप लोग नहीं हैं लेकिन आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार देते हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हम क्यों डरेंगे। किसी का हम कर्जा तो नहीं खाए हैं कि हम किसी से डरेंगे, नहीं ना। अब कर्जा खाएंगे तो भाई जिसका खाएंगे उसका मुझे आज नहीं तो कल देना ही है, तो हम डर के तो थोड़ी ना रहेंगे। ये नहीं कि हमें कोई मार दे, गाली दे दे, जो भी मर्जी आए को कुछ बोल दे, ये तो बात नहीं है ना। तो इंसान को बर्दाश्त वही करो जितना जो, अगर आगे वाली की इज्जत तुम वहीं तक करो जो तुम्हारी इज्जत करता है, अब तुम जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तुम उसकी इज्जत मत करो, समझे। हम ये बात सबके लिए कहते हैं, हम तुम्हारी इज्जत करें या तुम हमारी इज्जत को नीलाम करो और चलो हमें गाली गलौज दो, उल्टा सीधा बोलो, तो आपकी इज्जत इज्जत, हमारी इज्जत इज्जत नहीं। आपको किसी ने जन्म दिया है, पाला पोसा है तो आपको प्यार है, हमारे को किसी ने जन्म नहीं दिया, हमें नहीं किसी ने पाला पोसा है,
उतना ममता, उतना प्यार, उतना दर्द पीड़ा से मुझे भी किसी ने पैदा किया है, तुम्हारे घर पाल पोस के अपने तुम्हारे घर भेजा है, इस तुम्हारा लात मुक्का खाने के लिए नहीं मुझे भेजा है, मुझे गाली गलौज देने के लिए कोई किसी अपनी बहन बेटी को नहीं भेजता है। सब सोचता, हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुशी रहे, लेकिन उनकी खुशी के क्या, हम लुगाइयाँ सबकी खुशी ढूंढते हैं और हम लोग की खुशी कोई ढूंढता है? कभी किसी ने पूछा कि यार तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? हैं, कभी पूछा किसी ने? कोई नहीं पूछता, समझे? तो हम यही कहते हैं, जुर्म करने वाले उतना ही गुनाहगार होते हैं, जुर्म सुहने वाले भी उससे ज़्यादा गुनाहगार होते हैं कि जो जुल्म को सहते हैं। तो जुल्म उतना ही तक सहो जहाँ तक हद हो, हद से ज़्यादा कोई बढ़े तो वो जुर्म नाश हो, हम सबके लिए कर। अगर मेरी बात बुरी लगे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? और हम भी चाहते हैं, घर की इज्जत इज्जत है, लेकिन जब घर की इज्जत उसे रोड पे बेच दिया जाता है, बाहर बेच दिया जाता है, तो वो औरत की इज्जत कोई एक पैसे की नहीं रह जाती। तो हम काहें की इज्जत करें? जो हमारी इज्जत नहीं करता, हम तुम्हारी इज्जत काहें को करेंगे भाई? तो हम नहीं करते इज्जत, हम उसी का करेंगे जो मेरी इज्जत करेगा, और उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे जो मेरी इज्जत नहीं करता, ठीक है? माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात बुरी लगे तो। वो कितना रो रही है, इतना तड़फड़ा रही है, इतना परेशान है, इतनी दर्द भरी उनकी कहानी है, और उनके पति के लिए मैं कहना चाहूंगी, दीपू सिंह 420 उनके चैनल का नाम भाई, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में कोई किसी को समझे या ना समझे, लेकिन एक पति ही होता है जो अपने पत्नी को सबसे पहले समझता है। जब माँ बाप का साथ छूटता है तो किसी का साथ हो या ना हो, लेकिन पति का हमेशा होता है। जितना नखरे माँ बाप उठाते हैं अपने बच्चों के, उनके बाद अगर कोई उठाने वाला होता है तो उसका पति होता है। मेरे पति है, चाहे किसी का भी मेरा साथ छूटा हो या रहा हो, लेकिन उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया, सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि माता पिता की भी कमी नहीं करती। और माँ बाप के जितना प्यार किया, लगा ही नहीं कि पति है या दोस्त है या फिर माता पिता। मैं तो कहती हूँ कि कोई दुश्मन भी हो, लेकिन मेरे पति जैसे सबको पति मिले। बहुत अच्छे कर्म हमने किए होंगे, जो हमारा पति कितना अच्छा है, बहुत अच्छे है, बहुत। माता रानी से यही कहूंगी कि इतना आशीर्वाद बनाए रखना कि हमारा इनका कभी साथ छूटे ना और पिछड़े ना, हम दोनों हमेशा साथ हो। धन दौलत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज से नहीं शुरू से ही मेरा मानना था इनका साथ मेरे लिए काफी है। हाथ पैर में इतनी शक्ति है, इतना गुण है, हम कमा खा लेंगे, इनके बिना हम अधूरे हैं, इनके बिना नहीं जी सकते। वो अच्छे इतने हैं जो उनकी इतनी याद आ रही है, इतना तारीफ हम कर रहे हैं, हर किसी की तारीफ नहीं होती है, ना ही हर किसी की तारीफ की जाती है, अच्छे इंसान की ही तारीफ होती है। अरे दीपू भाई, अपना घर परिवार वो छोड़ के आई, कोख उनका, एक बेटी है वो आपके नाम की, हाथ उनका, उनके हाथ में चूड़ी सस्ती है आपके नाम की, माथ उनका, उनके माथे पे बिंदी सस्ती है आपके नाम की, मांग उनका, उनके मांग में सिंदूर सस्ती है आपके नाम की, गला उनका, मंगलसूत्र सस्ता है आपके नाम की, पैर उनका, और पैरों में महावर आपके नाम की, बिछिया आपके नाम की, क्यों नहीं समझते आप लोग? एक औरत, उसका कोई पहचान नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, एक पति के अलावा सब कुछ निछावर कर देती है, फिर भी बदले में सम्मान नहीं मिलता है, क्यों, क्यों ऐसा? हाँ,
अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हो या दीपू भाई आप देख रहे हो तो प्लीज़ हमारी बातों को समझना और अपना घर जिस तरह से आप तोड़ रहे हो, जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हो अपने घर में, किसी का जीना दुश्वार कर दिए हो, अगर आपके बहन बेटी के साथ ऐसा ही हो तो आप क्या करोगे? चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं उनका रोना।